लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे हुए 20,000 से अधिक भारतीय छात्र अपने वतन लौटने लगे हैं। इनमें नई मुंबई के 61 छात्रों का समावेश है, जिनमें से कुछ घर लौट चुके हैं जबकि कुछ पहुंचने वाले हैं। आज बीजेपी के जिला महामंत्री सतीश निकम ने कुछ युवा पदाधिकारियों के साथ ऐसे कई परिवारों से मुलाकात की और उनके बच्चों का हाल जाना। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, इसलिए मेडिकल पढ़ाई छोड़कर छात्र अपने वतन लौट रहे हैं। इनमें नई मुंबई के 61 छात्र शामिल हैं, जिनमें से नेरुल के अभिजीत थोरात जहां सकुशल घर लौट चुके हैं, वहीं आकांक्षा मलिक अभी भी रोमानिया बॉर्डर पर फंसी हैं। आज बीजेपी नेता सतीश निकम ने रणजीत नाइक और कुणाल महाडिक समेत युवा पदाधिकारियों के साथ ऐसे कई छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और उनके बच्चों का हाल जाना। उन्होंने छात्रों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार हर हाल में अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास में जुटी हुई है। 25,000 से ज्यादा बच्चे पूरे देश से यूक्रेन में आज पढ़ने के लिए वहां गए थे और ऐसी युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हुई, ये एक दुखद बात है। तो एक ऐसी यादी लिस्ट हमारे पास हमारे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से आई है, जिसमें नवी मुंबई के 61 बच्चों के नाम, पता, फोन नंबर, ऐसी सारी जानकारी हमारे पास है। हम ये जानते हैं कि भाई ऐसे प्रसंग में अगर हम उनके साथ खड़े रहे तो निश्चित ही उनके लिए एक अच्छी बात होगी, और इसी भावना से आज हमारे नेरुल के सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम मलिक फैमिली को मिलने के लिए आए थे। इस दौरान आकांक्षा मलिक और अभिजीत थोरात के परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पे लाइक हम लोग को 24 से वहाँ पे बॉम्बिंग शुरू हो चुकी थी और फिर हम लोग ने वहाँ से 26 से बसेस अरेंज की सारे बच्चों ने, और वहाँ से हम निकल पड़े बॉर्डर की तरफ। तो हमने सिरेत बॉर्डर से रोमानिया में एंटर किया और फिर वहाँ से हमें बॉर्डर से बुखारेस्ट कैपिटल सिटी में लाया गया और फिर वहाँ से हमारा सारा इवैक्यूएशन का स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बॉर्डर पे अभी है फिलहाल, लाइक बॉर्डर पे ही अटके हुए हैं, जो जैसे नंबर आएगा जिसका वैसे वो क्रॉस कर पाएंगे। वहाँ पे मोल्डोवा से भी बच्चे जा सकते हैं, एक है चॉप बॉर्डर जो हंगरी को एंटर करने का अपने को ये देता है, और एक है पोलैंड, और वहाँ से हम स्लोवाकिया भी जा सकते हैं। हर बच्चे को जाने के लिए लाइक इजाजत है वहाँ पे, और कोई ज्यादा हमें रुकाता नहीं है बॉर्डर पे, लाइक इंडियंस के जैसे ही पासपोर्ट देके हमें फटक से छोड़ दिया जाता है। जब से ये चीज सिचुएशन की वहाँ थोड़ा सा पता चला, दे ट्राइंग टू कम बैक बट क्लासेस ऑफलाइन था तो इसलिए लोग नहीं आ पा रहे थे, और टिकट्स का भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी, काफ़ी प्राइसेस आई थी और फ्लाइट्स भी कम अवेलेबल थे, इसी चक्कर में वो लोग आए नहीं आए, और सडनली वॉर चालू हो गया तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से फंसे हुए हैं। इनके हॉस्टल में तो काफ़ी बच्चे थे, अभी उसकी मेट्स भी सब रूममेट्स और साथ में भी वो लोग हैं, अभी काफ़ी लोग पोलैंड बॉर्डर चले गए हैं और कोई कोई लोग हंगरी भी जा रहे हैं, और ये लोग अभी रोमानिया बॉर्डर आने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।